नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शेलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में सेट थ्योरी के ऊपर लेक्चर डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेट पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है, राइट? तो सेट का डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सो सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन में आपको एग्जाम्पल से समझा के देता हूं, राइट? देखिए, एग्जाम्पल देखिए। तो जो सेट होता है, ये आपको कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। देखिए, कैपिटल लेटर्स है ए बी सी डी, ये कैपिटल लेटर्स है। तो सेट आपका हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही शो होगा। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल, पहला सेट देखिए। और सेट हमेशा ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट में आपके सेट हमेशा आप रिप्रेजेंट करोगे। ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। ये ओपन करली ब्रैकेट और ये क्लोज करली ब्रैकेट। तो देखिए, 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका सेट, राइट? एक कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए सेट का, ए आई ओ यू। सेट में हमेशा आप कैपिटल लेटर्स, सॉरी, सेट में आप हमेशा स्मॉल लेटर्स लिखोगे और सेट रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर्स के हमेशा। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, 1 3 5 7 9, ये थर्ड एग्जाम्पल। देन फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप, फोर्थ HERO आप कैपिटल लेटर्स में भी शो कर सकते हो या फिर स्मॉल लेटर्स में। तो ऐसे हो गए आपके एग्जाम्पल सेट के। तो देखिए यहाँ पे, सेट कैन बी रिप्रेजेंट्स टच और सी, मतलब सेट आप कब रिप्रेजेंट करोगे, जब आपने टच किया या फिर देखा आइडियाज या फिर कंसेप्ट्स को आप सेट में रिप्रेजेंट करोगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब आप ऑड नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए, कौन कौन से ऑड नंबर्स। देखिए तो सेट आप देखिए, मैं ए में डिनोट करता हूं कौन कौन से ऑड नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स आपके 1 3 5 7 9, राइट, 11 एक्सेट्रा, मतलब ये आपके क्या हो गए स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स हो गए। आपको पता है ऑड नंबर्स कौन कौन से, 1 3 5 7 9 11। देन अब कलेक्शन ऑफ पेन्स देखिए, तो कलेक्शन ऑफ पेन्स कौन कौन से कलेक्शन है आपके पास पेन के, रेड, राइट, रेड हो गया, देन येल्लो, देन ब्लू, राइट ना, ब्लू पेन हो गया, देन ब्लैक। तो इस टाइप के आपके पास कलेक्शन है पेन्स के। देन अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो देखिए ये सी इक्वल्स टू कौन कौन से अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे। तो आप ऐसे आप सेट रिप्रेजेंट कर सकते हो। अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ कार्स, तो आप कार्स का भी कलेक्शन आप सेट रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कौन कौन सी कार्स है आपके पास। तो मर्सिडीज बेंज, राइट ना, कौन कौन सी कार है, देन इनोवा, इस टाइप के जो भी कार की कंपनीज है वो आप कार्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो डी करके सेट। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सेट देखा। तो इस टाइप के जो सेट्स हो सकते हैं ऑड नंबर्स के, इवन नंबर्स के, कलेक्शन ऑफ पेन्स के, राइट ना, अल्फाबेट्स या फिर कलेक्शन ऑफ कार्स, मतलब आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से, तो आप सेट में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको जो कंसेप्ट मालूम है या फिर जो आइडियाज पता है या फिर जो आपने देखा या फिर जिसे आपने टच किया वो आप सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, दीज ऑल आर सेट, ये सभी क्या है आपके सेट से। तो देखिए, बट व्हाट इज नॉट सेट, सेट कौन कौन से नहीं हो सकते, राइट? तो देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, देखिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स का आप सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी के जो सॉन्ग्स है, जो चॉइसेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। आप डायरेक्टली सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो कि बाबा ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है और ये यही है सभी की चॉइस, ऐसे आप सेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? देन देखिए, अ कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल्स, हर किसी के लाइफ में जो ग्रेट पीपल्स होते हो डिफरेंट होते हैं। ओके, मानो अजय नाम का लड़का है, उसके ग्रेट पीपल्स के लिस्ट में, राइट ना, डिफरेंट टाइप के लीडर्स हो गए। राम नाम का जो लड़का है, उसकी लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स हो सकते हैं। श्याम नाम का लड़का है, उसकी भी लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स हो सकते हैं, ग्रेट पीपल्स, यानी कि आप इसको सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन थर्ड है, अ सेट ऑफ टैलेंटेड बॉय इन अवर क्लासरूम, राइट ना। तो हर किसी के दिमाग में
मतलब देखिए फिर से मैं आपको एग्जाम्पल देके बता दो, राम नाम का जो लड़का है उसे लगता होगा कि श्याम नाम का लड़का क्लास में टैलेंटेड है, राइट। श्याम नाम के लड़के को, राइट ना, श्याम नाम के लड़के के दिमाग में होगा कि अजय नाम का लड़का क्लास में टैलेंटेड है। ये तो कंफर्म नहीं है ना कि कौन सा लड़का टैलेंटेड है क्लासरूम में, हर किसी की डिफरेंट चॉइस हो सकते हैं। तो ऐसी कैटेगरी जो होगी वो आप सेट में, सेट का कलेक्शन नहीं हो सकता, सेट आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये था स्टूडेंट सेट का बेसिक लेक्चर, बहुत ही शानदार, वैसे मैंने आपको सिंपल वैसे बताया कि सेट क्या होता है, सेट के एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हो, सेट कौन कौन से हो सकते हैं, रिप्रेजेंट क्या कर सकते हो, टच क्या आपने सी देखा, आइडियाज या फिर कंसेप्ट, ऑड नंबर्स का कलेक्शन ऑफ पेन्स का आप सेट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने शो करके भी बताया, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ कलेक्शन कार्स, बट कौन से सेट नहीं हो सकते, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, राइट ना, देन ग्रेट पीपल्स, राइट, देन टैलेंटेड बॉय इन क्लासरूम। यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है हमने कि कौन से ब्यूटीफुल सॉन्ग से, कौन से ग्रेट पीपल से, मतलब हर किसी के लाइफ में, ग्रेट पीपल्स अलग अलग हो सकते, हर किसी के दिमाग में, क्लासरूम में हर कोई बंदा टैलेंटेड हो सकता है अलग अलग नाम का। तो इस टाइप के जो सेट्स होंगे वो आपके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, इसमें तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। तो कौन कौन से टाइप से, देखिए पहला टाइप एम्प्टी सेट और नल सेट। तो इसका मीनिंग क्या है, अ सेट विथ नो एलिमेंट्स, बहुत सिंपल है। एम्प्टी सेट और नल सेट, आपको अगर पूछा गया कि एक्सप्लेन कीजिए टाइप्स ऑफ सेट, तो पहला सेट एम्प्टी सेट लीजिए और नल सेट, और उसका मीनिंग है कि अ सेट विथ नो एलिमेंट्स। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि ये क्या होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। देखिए मैं यस यस में डिनोट करता हूं एम्प्टी सेट कैपिटल लेटर्स में लेके, एंड देन यहाँ पे देखिए मैं ओपन कर ली ब्रैकेट में, कोई भी एलिमेंट नहीं लूंगा। इस टाइप के सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब ओपन कर ली ब्रैकेट और क्लोज कर ली ब्रैकेट लेना है आपको, और बीच में कोई भी नंबर नहीं लेना है, उस टाइप के सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। देन सेकंड सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट मीन्स अ सेट विथ वन एलिमेंट। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आपको लिखने, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेट लिया और इसमें से मैं एक ही नंबर लूंगा, सिर्फ एक नंबर लूंगा, वो हो जाता है आपका सिंगल टोन सेट। इसका मीनिंग है कि अ सेट विथ वन एलिमेंट, तो ये जो सेट है आपका, इस सेट में आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया, या फिर आप देखे बी करके मैंने सेट लिया और इसमें सिर्फ मैं थ्री नंबर लूंगा, तो एक ही नंबर लिया देखे मैंने, तो इस टाइप के सेट को कह सकते हो आप सिंगल टोन सेट, मीन्स एक ही एलिमेंट होगा सेट में। देन थर्ड नंबर का सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मीनिंग है अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, अ सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि फाइनाइट सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होगी, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा वो सेट, अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन सिक्स। मतलब आपको एक सेट लेना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फाइनाइट सेट में एफ करके मैंने सेट लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, राइट, लिया है हमने एफ करके, और यहाँ पे सेट हमें उन्होंने कहा है कि नंबर्स का सेट लेना है, काउंटिंग नंबर्स का लेस देन सिक्स। लेस देन सिक्स का मीनिंग है कि सिक्स से कम नंबर्स लेने, लेस देन सिक्स का मीनिंग है कि सिक्स से आपको कम नंबर्स लेने। तो सिक्स से कम नंबर कौन कौन से, देखे वन टू थ्री फोर और फाइव, तो ये सारे नंबर्स, छह जो नंबर है इससे कम है, लेस देन का मीनिंग है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूं आपको समझाने के लिए, कि छह से कम, लेस देन सिक्स का मीनिंग है छह से कम। तो छह से कम कौन कौन से, वन टू थ्री फोर फाइव। तो देखिए लिमिटेड नंबर्स का सेट है, उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। अब आप नेक्स्ट सेट होगा डियर स्टूडेंट, ये फाइनाइट में यहाँ पे आपका देखिए फोर्थ नंबर पे इनफाइनाइट सेट है, ये सेट है आपका इनफाइनाइट सेट। देन से देखिए यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इनफाइनाइट सेट फोर्थ नंबर पे। तो इनफाइनाइट सेट का मीनिंग है अ सेट विथ, आपको लिखना है यहाँ पे अ सेट विथ अनलिमिटेड नंबर्स, यहाँ पे आपको लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड करना है। तो इनफाइनाइट सेट का मीनिंग है अ सेट विथ अनलिमिटेड नंबर्स, आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए इनफाइनाइट सेट का, अ सेट विथ अनलिमिटेड
नंबर्स। तो देखिए एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स मोर देन सिक्स। मोर देन सिक्स का मीनिंग है कि आपको छह से ज्यादा, मोर देन सिक्स का मीनिंग है कि आपको लेना है छह से ज्यादा, मोर देन सिक्स। तो देखिए यहाँ पे मैं सेट लेता हूं इन्फानाइट करके, यन करके लेता हूं, आप कौन सा भी कैपिटल लेटर लीजिए सेट डिनोट करने के लिए। तो छह से ज्यादा मीन्स 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड मोर। मतलब यहाँ पे आपके जो नंबर्स होंगे वो अनलिमिटेड नंबर्स होंगे, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। देखिए ना 23, 24, मतलब से ज्यादा मीन्स अनलिमिटेड। 1 लाख, 2 लाख, देन 1 मिलियन, राइट ना, 2 बिलियन, देन बिलियन से ज्यादा, मतलब ऐसे नंबर्स का सेट कि जो आप काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर्स हो गए, अनलिमिटेड नंबर्स हो गए, उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट सेट। ओके, ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। देन इक्वल सेट, तो इक्वल सेट का मीनिंग है इक्वल सेट्स हैव सेम एलिमेंट, इक्वल सेट्स हैव सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। समझे, मैंने ई नाम का एक सेट लिया और ई नाम के सेट में मैंने यहाँ पे ई ए आर टी और एच, ई कॉमा ए कॉमा आर कॉमा टी कॉमा एच, ऐसा मैंने सेट लिया। और एच नाम का और एक मैं सेट लूंगा एच नाम का, और इसमें मैं लिखूंगा एच कॉमा ई कॉमा ए कॉमा आर कॉमा टी, राइट। तो ये दोनों सेट देखे, दोनों सेट में सेम एलिमेंट से, देखिए यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे आर यहाँ पे भी आर, यहाँ पे टी तो यहाँ पे भी टी, राइट ना, यहाँ पे एच तो यहाँ पे भी एच। इसका मतलब है दो सेट्स लिए मैंने और दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट से, तो यहाँ पे भी ई ए आर टी एच है, यहाँ पे भी ई ए आर टी एच है। तो इस टाइप के सेट्स को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इक्वल सेट। देखिए बहुत सिंपल वे से मैं जा रहा हूं, बहुत सिंपल वे से आपको एक एक कंसेप्ट में बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। अब इक्वल सेट हो गया, देन नेक्स्ट सेट है आपका इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट इक्वल सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट। क्या है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे देखे फिर से पढ़े वहां पे क्या है, तो देखिए इक्वल सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि इक्वल सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स तो और बट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। सपोज मैंने फिर से दो सेट लिए ई करके और इसमें मैंने लिया माय डियर स्टूडेंट 4, 5, 6, 7 और 8 लिया मैंने, राइट। और यहाँ पे मैंने एच नाम का सेट लिया दूसरा, एच नाम का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माय डियर स्टूडेंट एच कॉमा ए कॉमा बी कॉमा आई कॉमा टी। तो दोनों सेट देखे 1, 2, 3 दोनों सेट में देखे, इसमें 4, 5, 6, 7, 8 है और इसमें एच ए बी आई टी। इसका मतलब इक्वल सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट, तो ई में और एच में डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें 4, 5, 6, 7, 8 है और इसमें एच ए बी आई टी, तो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया बट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ई में, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, काउंट करिए, पहला ये दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो ये हो गया 5। और इसका भी काउंट करते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन ऑफ एच, तो इसके भी 1, 2, 3, 4 और 5, तो दोनों के नंबर्स क्या है, इसमें भी 5 एलिमेंट है इसमें भी 5 एलिमेंट, तो बट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 एलिमेंट है, और डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। ई का सेट है उसमें डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, मतलब दोनों सेट में अलग अलग एलिमेंट चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम चाहिए, तो दोनों में दोनों सेट्स में अलग अलग एलिमेंट है, राइट, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इस टाइप के सेट को कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल अदर सेट आर सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग है कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। तो इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए
फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूंगा यूनिवर्सल सेट का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूं तो सेट ऑफ वॉवल्स वॉवल्स इन अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स में वॉवल्स कौन कौन से, तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट हम यू में डिनोट करते हैं, यू कैपिटल यू, और इसमें जो वॉवल्स है वो है अपने ए ई आई ओ और यू, इसे कहते हैं वॉवल्स अल्फाबेट में, राइट। ये वॉवल्स है ए ई आई ओ यू अल्फाबेट्स के, ये यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ए नाम का सेट लेता हूं, ए नाम का सेट, और ए नाम के सेट में मैं लूंगा ए ई आई, ए ई और आई, ए नाम का सेट लिया है मैंने, और फिर से यहाँ पे मैं बी नाम का सेट लेता हूं, बी लेटर का सेट लेता हूं, और इसमें मैं आई ओ और यू लेता हूं, राइट। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या है, ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स है, ए सेट में मैंने लिया ए ई आई, यूनिवर्सल सेट में से लिया मैंने ए ई आई, तो इससे आप कहोगे माय डियर स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट, इससे आप कहोगे प्रॉपर सबसेट। आया समझ में कि सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट्स है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सेपरेट सेट लेके, ए सेट लिया मैंने और उसमें ए ई आई लिया, उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और बी नाम का मैंने फिर से एक सेट लिया, यूनिवर्सल सेट में से मैंने आई ओ यू कुछ एलिमेंट्स मैंने बी सेट में भी लिखे, तो इसे भी आप कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो लास्ट में लिख सकते हो आप, देयरफॉर लास्ट में लिखना है आपको, बी के बाद में लिखना है कि सो एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना है सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर फाउंड इन यू, आर फाउंड इन यू। देखिए ना, जो भी ए के एलिमेंट है वो यू में मिलेंगे आपको, ए ई आई, देखिए ए ई आई, और जो भी बी के एलिमेंट मैंने लिए आई ओ यू, तो वही मैंने लिखा। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट यू में। नेक्स्ट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट सबसेट। तो देखिए सबसेट क्या है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। कब होगा सेट ए सबसेट सेट बी का, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट इन सेट बी, मतलब जो एलिमेंट सेट ए में होंगे वही एलिमेंट्स कहाँ पे होने चाहिए, सेट बी में, और ये रिप्रेजेंट करते हम ए सबसेट ऑफ सेट बी, इसे आप रिप्रेजेंट करोगे सबसेट में कि ए सिंबल है सबसेट का, ए सबसेट बी सेट। अभी देखिए जो सेट हो गए ना आपके, जो भी आपके सेट हो गए वो हो गए 2^n में लेना है आपके, जो भी सबसेट आप क्रिएट करोगे वो 2^n में, और n हो गया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या हो गया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको फॉर्मूला लेना है सबसेट में, राइट। तो देखिए मैंने पहले सेट लेता हूं ए, और ए सेट में मैं लूंगा S, I, R, ये मैंने सेट लिया, राइट। अभी अपने पास देखिए, सो ध्यान से देखिए, लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए। आपको क्या करना है, अभी जो A सेट लिया है ना आपने, इसके आपको पॉसिबल सबसेट फाइंड करने, सबसेट आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है तो एग्जांपल से आप क्लियर कर सकते हो। मैंने ए सेट लिया है, देखिए ए सेट लिया एस कॉमा आई कॉमा आर। अब मैं क्या करूंगा, सो लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब इस सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप लिखोगे सेट ए, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एन इक्वल्स टू, एन कितना, एक दो और तीन। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एक दो और तीन, तीन है, राइट ना। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, वो फॉर्मूला लेना है 2^n वाला। तो 2^n कितना माय डियर स्टूडेंट, 2^n, तो 2^n कितना, n है आपका 3, तो 2^3, 2^3 कितना, 8। तो 8 सेट्स आपको मिलेंगे, 8 सेट्स मिलेंगे सबसेट, मतलब ये जो 8 मिलेंगे ना वो आपको मिलेंगे सबसेट। तो देखिए यहाँ पे कैसे, तो पहला आपको सेट मिलेगा, सबसेट मिलेगा, देखिए ना जो ए सेट लिया है ना आपने, इसके आपको सबसेट लिखने, इसके आपको पॉसिबल सबसेट लिखने, और कैसे लिखोगे आप, तो एन इक्वल टू लेना है, तो एन सेट ए में कितने नंबर है, एक दो और तीन, तीन नंबर है,
तो फॉर्मूला लीजिए 2:n का, तो 2:n, n कितना है 3, तो 2:3 हो जाएगा आपका 8। तो देखिए पहला सेट आपको लेना है, पहला पूरा एज इट इज यस कॉमा आई कॉमा आर, राइट। अब आपको लेना है दूसरा सेट, दूसरा सेट मींस सबसेट है, सभी कितने सबसेट आएंगे 8 सबसेट आपको मिलेंगे दूसरा। अब आपको सिर्फ पहला एलिमेंट लेना है यस, राइट। अब आपको तीसरा सबसेट, अब आपको सिर्फ लेना है दूसरा एलिमेंट आई, राइट। अब आपको फोर्थ सबसेट लिखना है, देखिए सबसेट ऐसे लिखते हैं, फोर्थ फोर्थ सबसेट आएगा आपका, आपको सिर्फ लिखना है थर्ड एलिमेंट सिर्फ आर, राइट। अब देखिए फिफ्थ सबसेट, अब आपको क्या करना है, पहले दो एलिमेंट्स लेने एस और आई, देखिए एस कॉमा आई। अब आपको सिक्स सबसेट मिलेगा, अब आपको आई कॉमा आर लेना है, आई कॉमा आर, तो देखिए सिक्स मिलेगा आपको आई और ए कॉमा आर, राइट ना, आई कॉमा आर। देन आपको सेवन मिलेगा, सेवन सबसेट मिलेगा। अब आपको क्या करना, पहले दो लिए देन ये दो लिए, अब आपको फर्स्ट और थर्ड लेना है यस कॉमा आर, यस कॉमा आर। और आपको एट्थ नंबर का सबसेट लेना है नो एलिमेंट वाला, कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखना है एट नंबर के सबसेट में, राइट ना। तो ऐसे हो जाएगा आपके ए सेट के, जो ए सेट है इसके आप ऐसे एट सबसेट लिख सकते हो, एट सबसेट लिख सकते हो आप। इस टाइप की कंसेप्ट को आप कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट सबसेट, राइट। तो ऐसे आप सेट के, ऐसे एक सेट के सबसेट लिख सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 है, 2:n करिए, 2:3 मींस 8, तो 8 प्रॉपर सबसेट्स आपको मिलेंगे, ये सभी के सभी आपके सबसेट है इस सेट के। तो इस टाइप के कंसेप्ट को आप कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट सबसेट, राइट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपकी, देखिए प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी नॉट कंटेन्ड इन सेट ए, नॉट कंटेन्ड इन सेट ए। तो देखिए मैं इस डेफिनेशन को आपको एग्जाम्पल से समझा, तो प्रॉपर सबसेट आप इससे डिनोट करोगे ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैं लेता हूं बी सेट, यहाँ पे मैं लेता हूं माय डियर स्टूडेंट बी सेट, और बी सेट है आपका, देखिए बी सेट है आपका एच कॉमा ए कॉमा बी कॉमा आई कॉमा टी, और यहाँ पे मैं लेता हूं ए, और इसमें मैं लेता हूं ए कॉमा बी कॉमा आई और कॉमा टी, राइट माय डियर स्टूडेंट, ऐसा मैं लेता हूं। अब आप देखिए अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी कब होगा, इफ देर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। तो देखिए एक एलिमेंट कौन सा, देखिए यच, यच जो एलिमेंट है, यच जो एलिमेंट है सेट बी का, देखिए ना एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, तो सेट बी का ये जो एलिमेंट है ना यच एलिमेंट Not contained in set A, तो देखिए A set में यच element नहीं है। देखिए मैंने दो set लिए A और B, पहला B लिया और दूसरा A लिया, B set में element से यच A B I T, तो A set में आपका A element है, B element भी है, I element भी है और T element भी है, मगर जो B set में उन्होंने बोला है at least one element in set B, जो set B का एक element है यच, यच नॉट कंटेन्ड इन सेट ए, जो बी सेट में जो यच एलिमेंट है वो ए सेट में आपको दिखाई नहीं दे रहा, तब आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी होगा, मतलब ए है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ये कब होगा, जब आपका बी सेट में एक एलिमेंट, बी सेट में एक एलिमेंट ए सेट में अगर नहीं दिखाई देना चाहिए, ए सेट में देखिए एच दिखाई दे रहा है क्या सेट ए में, नहीं दिखाई दे रहा है, उस टाइप के कंसेप्ट को आप कहोगे ए, राइट ना, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, राइट माय डियर स्टूडेंट। और एक मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, और एक मैं एग्जांपल लेता हूं, समझिए यहाँ पे बी है, बी इसमें आपने लिया है ए बी आई और टी, राइट ना, और यहाँ पे आपने सी लिया है, सी लिया है माय डियर स्टूडेंट बी कॉमा आई कॉमा टी, तो इसका मतलब है बी सेट का
एक एलिमेंट, ए एलिमेंट आपको सी में दिखाई दे रहा है क्या? देखिए बी भी दिखाई दे रहा है, आई भी दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है, मगर ए एलिमेंट दिखाई दे रहा है क्या सी में? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इससे आप कह सकते हो कि बी सेट ये प्रॉपर सबसेट है सेट सी का। ऐसे आप कब लिख सकते हो? ये सिंबल है राइट, ये आपका सिंबल है, इसे ये सिंबल है कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी। कब होगा ऐसा? जब बी सेट में एक एलिमेंट आपको सी में दिखाई नहीं दिया तब होगा वो बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। देन नेक्स्ट है आपका 10th नंबर का कंसेप्ट, टाइप सुपरसेट। सुपरसेट का मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। तो ये सिंबल है सुपरसेट का, ये देखिए ये सिंबल है आपका, देखिए ये सिंबल है आपका सुपरसेट का। तो ए सुपरसेट ऑफ बी ऐसा कब होगा? जब देखिए एग्जांपल से समझा रहा हूं, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ए सेट में अगर आपको, ए सेट में अगर आपको 4, 5, 6 एलिमेंट लिया है, तो बी सेट में आपका 5, 6 और 4 एलिमेंट लिया है मैंने। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 4, 5, 6 है और यहाँ पे भी 4, 5 और 6 सेम एलिमेंट है। तो तब आपका होगा ए सुपरसेट ऑफ बी, मतलब सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अनादर सेट। अगर ए सेट में आपने 4, 5, 6 एलिमेंट लिया तो बी सेट में भी आपका 4, 5, 6 एलिमेंट चाहिए, देखिए 4, 5, 6 एलिमेंट चाहिए, तब आपका ए और बी ये क्या हो गया आपके सुपरसेट हो गए। सुपरसेट ये हो गया आपका सुपरसेट, प्रॉपर सुपरसेट। ए इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी इफ, देखिए यहाँ पे इफ ए, ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, ए सुपर सेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। और ये आपका हो गया प्रॉपर सुपर सेट का, प्रॉपर सुपर सेट का सिंबल। मैं आपको आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि प्रॉपर सुपर सेट क्या होता है। देखिए अगर ए मैंने लिया है 1, 2, 3, 4 और 5 और मैंने बी लिया है सिर्फ 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका ए प्रॉपर सुपर सेट ऑफ सेट बी। देखिए देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें और इसमें क्या है 1, 2, 3 राइट। तो इसमें 4 और 5 एलिमेंट है मगर इसमें 4 और 5 एलिमेंट नहीं है। इस टाइप के केस में आपका ए प्रॉपर सुपर सेट होगा सेट बी का, मगर मतलब इसमें 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है और इसमें कितने एलिमेंट है? 3 ही एलिमेंट है, 1, 2 और 3। इसका मतलब है हो जाएगा आपका ए प्रॉपर सुपर सेट ऑफ सेट बी राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे हो जाएगा आपका प्रॉपर सुपर सेट। एग्जाम्पल से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर सुपर सेट क्या है, सुपर सेट क्या होता है या फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है। एंड लास्ट टाइप है आपका पावर सेट, और पावर सेट में आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। इफ देखिए इफ यस इसमें मैंने लिया यस कॉमा आई कॉमा आर, ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया सेट लिया, तो यन देखिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, यन इज इक्वल्स टू 3, 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 रेस्ट टू 3 लीजिए, 2 रेस्ट टू 3 कितने हो गए आपके 8। तो पावर सेट क्या हो गया आपको, पावर सेट हो गए 8। तो मैंने पहले भी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाई थी, आपको 8 क्या लेने, 8 आपको लेने पावर सेट राइट। तो देखिए यहाँ पे पहला यस कॉमा आई कॉमा आर, देन दूसरा यस, देन तीसरा आई, देखिए ना पहले यस आई आर लीजिए, देन यस लीजिए सिर्फ, देन आई लीजिए, देन फोर्थ नंबर पे आर लीजिए, फिफ्थ आपका यस आई लीजिए, दोनों लीजिए यस कॉमा आई, देन सिक्स नंबर पे आई कॉमा आर लीजिए आई कॉमा आर, देन सेवन नंबर पे यस और आर लीजिए यस और आर लीजिए, एंड एट नंबर पे आपको लेना है एम्प्टी, मतलब कोई भी आपको एलिमेंट नहीं लेना है। तो ये कंसेप्ट था आपका पावर सेट का। तो देखिए स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने सेट की कंसेप्ट बताई और टाइप्स कौन कौन से सेट के, वो सारे टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिए एग्जाम्पल।